हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जिसने विद इन 1 मंथ लोगों को इतना सारा रिटर्न दिया है, उनके पैसों को इतना मल्टी बैगर बना दिया है, उनके पैसों को इतना ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ा दिया है कि एक साल की बात की जाए तो एक साल में लगभग लगभग 400% प्लस 400% के रिटर्न उसने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। तो हम उस वीडियो के बारे में आज बात करने वाले हैं, उसके कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, बताएंगे कि वो शेयर अभी लेना चाहिए या नहीं। ओके, सारी की सारा कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द वीडियो हम पूरी जानकारी उसके शेयर के बारे में लेंगे। ओके, बट वो बिफोर गोइंग अहेड एक बार दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए हर एक वीडियो पे, और कोई ताकि हम इस तरीके की वीडियोज़ बनाते रहें। तो मैं आपको पहले उस शेयर के रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके के रिटर्न्स है। तो आप देखिए, 1 डे में 5.68% के रिटर्न, 1 वीक में 35.37% के रिटर्न, 1 मंथ में लगभग 78% के रिटर्न, और 3 मंथ्स में 209.22% के रिटर्न। मतलब 3 महीने में पैसे 200 गुना बढ़ा दिए, 6 महीने में 273, ईयर टिल डेट में 306, मतलब 300%, 3 गुना पैसे बढ़ा दिए, 1 ईयर में 423, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, एक साल में 400 से ज़्यादा परसेंटेज के उसने रिटर्न दिए, 2 साल में 327, 3 साल में 327, 4 ईयर्स में 371, 5 ईयर में 251, 10 ईयर्स में 3,394.58% के रिटर्न। मतलब आप समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जितना हम लंबा टाइम खींचते हैं किसी शेयर को, तो किस तरीके के वो रिटर्न देता है। तो 10 साल जिस शेयर होल्डर्स ने इसके 10 साल वेट करा है, तो 10 साल में क्या रिटर्न उसने गजब के पाए है। मतलब लगभग लगभग 3400% के रिटर्न उसने इस शेयर ने दिए है, और शायद ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर 3400% शायद हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके के रिटर्न मिले हैं। तो हम उस शेयर के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो उस कंपनी का नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड, जैसे कि नाम से ही मेंशन है, ड्रग्स, ड्रग्स मींस जो हमारी दवाइयाँ होती है उसे भी ड्रग्स कहते हैं, तो उसमें काम करती है। तो ड्रग्स मींस एपीआई, एपीआई का मतलब क्या होता है, तो एपीआई का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप पेन किलर खाते हैं, तो पेन किलर में जो पेन को रिलीव देने के लिए जो इंग्रेडिएंट डालते हैं, जो स्टफ उसमें डालते हैं, उसे कहते हैं एपीआई। इसका मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल, इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो आप देख रहे हैं, तो वो जो ये उस चीज़ को बनाने में काम करते हैं। और इसके प्रोडक्ट्स की आप देख लेना एक बार, कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट्स वो एपीआई के बनाती हैं। इसके अलावा ये स्पेशलिटी केमिकल्स, मतलब केमिकल्स में भी इसकी स्पेशलिटी है। ओके, केमिकल्स में भी काम करती है, फार्मा इंटरमीडिएट, फार्मा के इंटरमीडिएट में काम करती है, और प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट, और बहुत सारे प्रोडक्ट इसके अंडर डेवलपमेंट में भी है। तो एक बार इसके कंपनी की वेबसाइट को अगर चेक करिए और जानिए कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके, तो आज हम इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं, आज का परफॉर्मेंस देखते हैं। पहले लगभग जब ये मॉर्निंग में ये शेयर था तो 2309 रुपये का ये शेयर की ओपनिंग हुई थी। ओके, 9:15 बजे 2309 रुपये का ये शेयर था। बट आप देख रहे हैं, शाम को जाते जाते लगभग लगभग 10:15 बजे, 1 घंटे के अंदर अंदर ये शेयर 2540, मतलब 10% से ज़्यादा के इसने रिटर्न दे दिए थे। और इसका बट बाद में ये नीचे जाते जाते आज फिर भी 116 पॉइंट्स की जंप देखी गई है, और 5.24% के। बट पिछले दिनों में क्या इसने गजब का परफॉर्मेंस किया है, ये आपके सामने है। मतलब 3 अगस्त को, 2-3 दिन पहले ही, ओके 5 दिन पहले, 5 डेज का डाटा है, 1742 पे शेयर चल रहा था, और आज 2335। 1 मंथ का देख लीजिए रिटर्न, 1 मंथ में पहले 8 जुलाई को 1357 रुपये का ये शेयर हुआ करता था, 1357, और आज का रिटर्न देखिए 2335। 6 मंथ का देखिए, 6 मंथ, ये 6 मंथ का है, मतलब 6 मंथ में 631 रुपीज़ पे ये शेयर हुआ करता था। एक साल का परफॉर्मेंस देख ली, मतलब एक साल में ये 464 का ये शेयर था, और आज एक साल में इसके रिटर्न देख लीजिए,
एक साल में 403% के रिटर्न जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए इस तरीके के इसने रिटर्न दिए। और ईयर टिल डेट मतलब मैक्सिमम देख लेते हैं, कोई भी कंपनी शुरू होती है, 2003 में जब ये लिस्ट हुई थी तो 42 रुपये का शेयर था। कंपनी शुरू होती है, टाइम लगता है, शेयर होल्डर जो होते हैं जिन्हें पता है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होता क्या है तो वो वेट करते हैं। 2003 से मतलब 10-11 साल उन्होंने वेट किया, ओके, कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला। 42 रुपये का शेयर 2014 में भी 127 रुपये का जैसे कि आपको दिख रहा है, बट उसके बाद उन्हें फ्रूटफुल रिजल्ट मिला, उनकी मेहनत, उनके पेशेंस और उनके वक्त की उन्हें कीमत मिलनी शुरू हुई। और आज कीमत मिलते 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 अगर किसी ने 10 साल पहले भी ये शेयर खरीदा होता तो 3400% के लगभग के रिटर्न आज कंपनी दे रही है। तो आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो मैं बातें करता हूँ क्या मतलब होता है उसका। लगता है आज जो आज और कल के लिए आए हैं शायद ये शेयर कल की डेट में पड़ के ना गिर जाए, बट जिसने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया है उसके को फिर भी प्रॉफिट में ही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म जितना हम किसी भी शेयर अच्छे शेयर में रुकते हैं, चूज करते हैं, वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं और जैसे जैसे शेयर बढ़ता है वैसे वैसे वो फ्रूटफुल रिजल्ट देना शुरू करता है, अपने रिटर्न्स देना शुरू करता है और आपके पैसे को मल्टी बैगर बना देते हैं। तो आप समझ रहे हैं 2003 में जब ये शेयर 42 रुपीज़ का हुआ करता था तो आज की डेट में 2335 क्या करोड़पति नहीं हो गया होगा? डेफिनेटली हो गया होगा, करोड़ों रुपए उसने छाप लिए होंगे। ओके, इतना इस शेयर की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। तो मैक्सिमम जितना हो शेयर को होल्ड करना सीखो, अच्छे शेयर में रहो तो आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। आज के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो 52 वीक लो 23 मार्च को जब मार्केट क्रैश हुआ था जैसे कि आप सभी को पता है कोविड के कारण, तो 421 रुपीज़ का ये शेयर हुआ करता था और आज की डेट में ये शेयर 7 अगस्त आज के दिन ही इसने 2550 रुपये का हाईएस्ट लगाया है। इसने जंप मारी है, इसका जो 52 वीक हाई है वो इतना है। एक बार पीई की बात कर लेते हैं तो इसका पीई 27.62 है और इसके सेक्टर मतलब जिस सेक्टर में काम करती है फार्मा में तो उसका पीई 33.48 है। तो पी रेशो इसका कम है। ओके, डिलीवरीज की बात की जाए तो जैसे कि आपको सामने दिखा रही दे रहा है कि 20.21% की लगभग 20% की डिलीवरी यहाँ पर उठाई गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो शेयर होल्डर इसने मामूली सी मार्च से जून में आप देखिए थोड़ा सा मामूली सा उन्होंने अपने शेयर्स कम किए। इसके अलावा पब्लिक ने जो नॉर्मल पब्लिक है उन्होंने अपने शेयर्स को बढ़ा दिए। ओके, और कोई भी शेयर जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कोई भी शेयर उन्होंने प्लेज नहीं किया है, कोई भी शेयर उन्होंने गिरवी नहीं रखा है। और डिविडेंड के मामले में देख लीजिए तो डिविडेंड 18 जून को उन्होंने बाईबैक लाया था। ओके, 1 अगस्त को उन्होंने 1 रुपये का डिविडेंड दिया है, फिर 2019 में बाईबैक लाया था और फिर 26 जुलाई 2019 को 1 रुपये का फिर बाय को डिविडेंड दिया है और फिर 17 फरवरी 2020 को फिर 2 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो आप देखिए किस तरीके की कितनी बेहतरीन कंपनी है, किस तरीके का उसने काम किया है। आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपनी का मार्केट कैप केवल लगभग 5500 करोड़ रुपए के आसपास है, मतलब 5483 करोड़ रुपीस का इसका मार्केट कैप है और ये मिड कैप कंपनी है, मिडिल कैप में की कंपनी है। ओके, उसके प्रॉफिट और इसका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें भी अच्छा काफ़ी प्रॉफिट देखा गया था। अब एक बार इसके बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है रिजर्व्स कंटिन्यूसली इसके बढ़ते जा रहे हैं, रिजर्व्स में कंटिन्यूसली बढ़ा है, जंप दिखाई दे रही है 326 फिर 323 हर साल इसके रिजर्व्स बढ़ते हैं और अभी लगभग लगभग 600 करोड़ के इसके रिजर्व्स है। डेट की बात की जाए तो डेट कंपनी के पास है बट डेट का लेवल जो है रिड्यूसिंग लेवल पर है, 432, 417, 482, 441 और 330, मतलब डेट कम होता जा रहा है इस कंपनी के ऊपर। और इसके कैश एंड बैंक बैलेंस की एक बार बात कर लेते हैं तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कैश एंड बैंक बैलेंस घटते उस पर है तो अभी कैश एंड बैंक बैलेंस का लगभग 3 करोड़ 85 लाख रुपीज़ के लगभग इसका कैश एंड बैंक बैलेंस है। ये मार्च का इसका मार्च 2020 का इसका जो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट है वो इसको मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स के जैसे कि मैंने ये मार्च का रिजल्ट दे रखा है
ओके, इसके न्यू रिजल्ट भी हम देख लेते, बट इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके इंट्रेंसिक वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, इंट्रेंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू होती क्या है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। इंट्रेंसिक वैल्यू वो होती है जिस जो कोई प्रोडक्ट उसका डिजर्व करता है। मतलब आप मार्केट में जाते हैं, आप टमाटर या कांदा या आलू कुछ भी लेते हैं, ओके, अगर 20 रुपये किलो चल रहे हैं तो 20 रुपये किलो में आपको मिलते हैं, बट आपको 20 रुपये किलो चल रहे हैं पर आपको 30 रुपये में मिलने लग जाए तो वो इंट्रेंसिक वैल्यू से ऊपर चला गया, बट आपको 20 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिल रही है वो इंट्रेंसिक वैल्यू होता है। तो जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है ओके, कि करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब ये जो इसका जो वैल्यू है जो अभी चल रहा है 2356.44, ओके, ये इसकी वैल्यू काफ़ी हाई हो गई है। ओके, इस लेवल पर खरीदना भारी पड़ सकता है। ओके, स्टॉक हैज़ बीन जनरेटेड बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक FD। आप जैसे कि मैं ऑलवेज बताता हूँ, बैंक में FD करने से ज़्यादा रिटर्न ये स्टॉक मार्केट में पैसा देता है, तो FD से ज़्यादा रिटर्न ये स्टॉक ने दिए है और देता रहा है। इसके बाद डिविडेंड रिटर्न की बात कर देते हैं, स्टॉक डजेंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न, कुछ अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं देता, जैसे कि दिखाया था 1 रुपये 2 रुपये का ही ये आपको दे रहा था। एंट्री पॉइंट, तो एंट्री पॉइंट के बारे में बता रहे थे कि हमें एंट्री करनी चाहिए उस शेयर में या नहीं, तो नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरबोर्ड जोन, मतलब कि अभी के टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो शेयर है ओवरबोर्ड जोन में हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा भाग चुका है। ओके, तो अगर कोई प्लानिंग बना रहा है इस शेयर में खरीदने के लिए तो थोड़ा टाइम रुक जाइए, शायद ये शेयर की कीमत बहुत कम हो जाए और तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, बट एंट्री करें तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि हमेशा लंबे टाइम के लिए ही होल्ड करिए। लंबे टाइम के खिलाड़ी बनोगे, लंबे रेस के घोड़े बनोगे तो बहुत दूर तक जाओगे, बहुत ज़्यादा बढ़ोगे। इसके अलावा जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते, तो अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इसका रिजल्ट है, टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग 60.50, ओके, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 60.50 है परसेंट की। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी जैसे कि बढ़ाई है 4.48%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग 5.08%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स 1.82%, अदर पार्टीज जो अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो 32.58, जो रिटेल इन्वेस्टर भी जिन्हें कहते हैं, 32.58% की होल्डिंग रखते हैं। तो ये आरती ड्रग्स के बारे में हमने बात करी है, तो आप एक बार सोच सकते हैं, और हमेशा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जैसे कि इसका पैटर्न मैक्सिमम दिख ही रहा है, काफ़ी स्ट्रगल के बाद स्ट्रगल किया, बड़ा घटा बड़ा बड़ा, अभी जो अब जैसे कि आपको पता ही है कोरोना आया तो फार्मा के शेयरों की ही लॉटरी लगी है सबसे ज़्यादा, फार्मा और FMCG जो खाने पीने की चीज़ें होती है जैसे कि हम डेली वाइज डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उनके शेयर्स में हमेशा बढ़ोतरी हुई है। तो इस शेयर ने किस तरीके के गजब के रिटर्न दिए हैं, ओके, विद इन ईयर 400% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, तो आप इसके ऊपर नज़र बना के रखिए, अपने अपनी फंडामेंटल एनालिसिस खुद भी करिए, इस शेयर के बारे में जानिए भी, ओके, अलग अलग वेबसाइट पे जाके इस शेयर को देखिए, अपनी वॉच लिस्ट में इसे शामिल करिए, ओके, और हो सके तो इसमें इन्वेस्ट करें जब ये नीचे आ जाए कभी, ओके, और क्योंकि ओवरबोर्ड जोन में है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, और फिर अगर आप इसे ले भी लेते हैं तो एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करके रखिए। लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली एक आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा आने वाले 5 साल 10 साल में। तो हम वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करते हैं, थैंक यू सो मच। बंद करने से पहले इस वीडियो को मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ, और हमारे दूसरे बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप उसमें बने रहिए, उसे देखते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।